उदयपुर झीलों के शहर में हवाला गांव में लगने वाले शिल्प और कला के इस उत्सव में जहां शिल्प व कला की वस्तुएं लोगों को आकर्षित कर रही है, वहीं यहां फूड बाजार में हरियाणा के गुहाना की भारी भरकम जलेबी और उसकी मिठास लोगों को खींच लाती है। 250 ग्राम वजनी यह जलेबी वर्ष भर में केवल एक ही बार इस उत्सव में देखने को मिलती है और लोग भी इसका स्वाद एक बार जरूर चखते हैं। हरियाणी के गुहाना जिला सोनीपत के ताऊ नरेश कुमार करीब 15 सालों से शिल्प ग्राम उत्सव में आ रहे हैं। नरेश कुमार ने बताया कि उनके प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण उनकी बनी जलेबियां विशेष प्रकार से बनी होती हैं, जिसमें मैदे के साथ बेसन, सूजी व देशी घी का उपयोग होता है। इसके अलावा भारी भरकम इस जलेबी या यूं कहे जलेबा का वजन कर 250 ग्राम होता है। उन्होंने बताया कि ये उनका पुश्तैनी काम है। खासियत यह है कि मात्र एक पीस में आपका पेट भर जाता है। कई लोग तो शिल्पग्राम उत्सव में इनकी स्टॉल को ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं और वे उन्हें बड़े प्रेम व सत्कार से इसे खिलाते हैं। शिल्पग्राम में इसकी कीमत पहले 80 रुपए थी, जो अब 100 रुपए हो चुकी है। पिता के बाद नारायण ने उनके इस काम को संभाला है और अब उनके बेटे उनकी मदद करते हैं। नरेश कुमार देशभर में लोगों को अपनी जलेबी का स्वाद चखा चुके हैं। चंडीगढ़, सूरजकुंड, कुरुक्षेत्र, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, लखनऊ, गोवा, पणजी में होने वाले महोत्सवों में भी वे भाग लेते हैं। नरेश कुमार की जलेबी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित कई राजनेता छक चुके हैं। उदयपुर के शिल्प ग्राम में हरियाणा के गुहाना के नरेश कुमार की 250 ग्राम की देशी जलेबी लोगों को आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अपने यहाँ पे आप उदयपुर से हैं, अपने यहाँ पे नॉर्मल साइज की जलेबी मिलती है। इतनी बड़ी साइज की जलेबी है, आप लोगों ने टेस्ट किया, क्या नॉर्मल टेस्ट में और इसमें डिफरेंस आपको लगता है? क्या आप साइज को देख के एक्साइटेड रहेंगे? अच्छा, डेलीगेट पे जो मिलती है। चलिए, थैंक यू। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? तो कैसे पता चला और आप कितने साल? 3 सालों से एक बार टेस्ट किया था कि इतनी बड़ी है तो क्या बात है, लेकिन जब हमने खाया तो बहुत क्रंची और एकदम जूसी। एक टुकड़ा खा लो तो लगता है और खानी है और खानी है और खानी है। मैंने अभी सुना कि आपने कहा कि आप स्पेशली हर बार वही शॉप होती है, शॉपिंग पर्पज से तो काफी इतना वो नहीं है, बाकी सब चीज यहाँ मिलती है उदयपुर में, तो मैं तो स्पेशली यही खाने। चलिए, आप लीजिए जाएगा। अंकल, ये बताएं आप कि कहाँ से हैं और ये क्या स्पेशल आप बनाते हैं, क्या डिफरेंट है? हमारा नाम नरेश कुमार, हम हरियाणा एक लाजवाब क्वालिटी लेके आते हैं यहाँ से ग्राम के लिए। जी, क्या बोलते हैं इसको? इसको देसी घी एक क्वालिटी मनमोहिनी क्वालिटी जलेबी बोलते हैं इसको। अच्छा। इसके अंदर मैदा, बेसन, सूजी, देसी घी से तैयार करते हैं। इसके अंदर कोई कलर, कोई मिलावट नहीं किसी प्रकार की। और ये हमारी जलेबी जिस भी मेले में गई है, जिस भी बड़े बड़े फेयर में जाती है, इस जलेबी को अच्छी खासी एक अच्छी खासी धूम मचाती है हमारी जलेबी। 100 और क्या? ये जी क्या क्यों आपने बड़ी साइज डिसाइड? जी, ये हमारे स्वर्गवासी हमारे पिताश्री ने तैयार की थी, श्री हरिचंद जी ने, हम उनके सपुत्र नरेश कुमार, और ये आगे हमारी औलाद यानी कि पुस्तकी धंधा यानी कि खानदानी धंधा ही हमारा यही है हलवाई लाइन का। अच्छा। और जी मतलब जिस भी फेर में गई ना जलेबी ने एक अच्छी खासी धूम मचाई है। इसके अंदर मैदा, बेसन, सूजी, देसी घी से तैयार करते हैं। इसके अंदर कोई कलर कोई मिलावट होती है, नेचुरल जिसको कहते हैं कि नेचुरल साहब। जी, ये देखिएगा कितना। और यहाँ शिल्प ग्राम में कम से कम भी हम 10-15 साल से आ रहे हैं। हमारे बहन भाई जो शिल्प ग्राम में जो घूमने आते हैं हमारी जलेबियों के, एक एक साल का इंतजार करते हैं। ऐसी एक लाजवाब क्वालिटी लेके आते हैं साहब हरियाणा से। नॉर्मल जो छोटी साइज की जलेबियाँ हैं, क्या उसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में फर्क? जी, नॉर्मल जलेबी होती है वो खाली मैदे मैदे की बनती है। इसके अंदर मैदा, बेसन, सूजी तैयार करते हैं। इसके अंदर कोई कलर कोई मिलावट नहीं किसी प्रकार की, लाजवाब टेस्टी जलेबी। जलेबी आप भी टेस्ट करके देखो। जी, अच्छी लगेगी। 100 सॉरी।